गाइस, हम शंकर के मां जा रहे ऊपर है पिशपतरी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। सबसे पहले तो सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज शिवरात्रि है, तो मैं अभी शिव जी को चढ़ाने के लिए यहाँ पे फूल तोड़ रही हूँ, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं पासी के गांव शिव मंदिर। तो मेरे साथ अभी अंधिता दी जा रहे हैं। फिलहाल हम मार्केट तक साथ में जाएंगे और आंटी जी, स्वास्तिक मम्मी, वो लोग भाई के साथ गाड़ी में अभी आ रहे हैं। जैसे ही हम लोग गाड़ी के पास पहुंचे और ये लोग भी यहाँ पे आ गए थे, तो भाई यहाँ पे अभी गाड़ी मोड़ रहे हैं और अभी हमें जाना है अपोजिट साइड। और मैं और अंधिता दी गाड़ी में बैठ चुके हैं और भाई ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त। और यहाँ पे मम्मी, आंटी जी और अंधिता दी बैठे हुए हैं और आगे मैं और स्वास्तिक बैठे हुए हैं। और हम अभी जा रहे हैं शिव मंदिर चौकी, जो यहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर है और हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर है, तो जो सामने वाले गांव में है। और ऐसे तो हम लोगों ने पैदल जाना था, हम लोगों का प्लान था कि हम लोग सुबह जल्दी पैदल जाएंगे, बट बाद में हम लोगों ने भाई से कहा कि वो हमारे साथ चले। और अभी हमने एंटर किया है यहाँ पे पार्वती विद्युत परियोजना के एरिया में, और ये यहीं से मलाना रोड से होके ही यहाँ जाते हैं। 5 minutes later. दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं यहाँ प्राचीन शिव मंदिर के वहाँ पे, और ये मलाना रोड के साथ में चौकी गांव में है। और अभी हम चलते हैं शिव जी के दर्शन करने। शिव मंदिर के आंगन में एंटर करते ही आपको यहाँ पे शिव जी का भव्य मंदिर देखने को मिलेगा, और ये शिव मंदिर बहुत प्राचीन है। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे पूजा करने। और ये देखिए, यहाँ पे पूरा शिव परिवार है, जो अभी यहाँ पे धुएं की वजह से नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा धूप जलाकर रखा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे मूर्तियाँ क्लियर नहीं दिख रही है। और यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे जो शिव परिवार की मूर्तियाँ हैं, वो स्वयं उत्पन्न हुई है। पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे स्वास्तिक को अभी प्रसाद खिला रही थी, अभी हमें पंडित जी ने यहाँ पे प्रसाद दिया। इसके बाद हम लोग यहाँ सब मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ पे प्रसाद खाने, क्योंकि यहाँ पे यहाँ के गांव वालों ने सभी के लिए प्रसाद रखा हुआ है और यहाँ पे सभी को प्रसाद बांट रहे हैं। और यहाँ पे चाय, खीर और फ्रूट्स रखे हुए हैं, जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए है। और इसके साथ ही हमें यहाँ पे मिले मेरी बड़ी मामी जी और छोटी मामी जी। तो थोड़ी देर हम लोग बैठे इन लोगों के साथ यहाँ पे बात करने, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस घर की ओर। भाई गाड़ी लाने गए हुए थे, तो तब तक हमने सोचा कि मैं और आंटी जी गप्पे मारते मारते आराम से जाएंगे। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं वापस घर की ओर दर्शन करके, और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। तो हमारे ड्राइवर भाई साहब, थोड़ी देर जाम लगने के बाद अब हम निकल चुके हैं घर की तरफ वापस। और यहाँ पे श्रद्धालु अभी पे आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये शिवरात्रि सुबह तक मनाई जाती है यहाँ पे। और अभी हम पहुंच चुके हैं मार्केट में, और भाई, मम्मी, आंटी जी ये लोग जा रहे हैं घर की तरफ गाड़ी लगाने। मैं और अंधिता दीदी, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग मार्केट होके ही घर जाएंगे पैदल। तो हम लोग तो काफ़ी देर पहले ही पहुंच चुके थे घर, और आंटी जी, स्वास्तिक और मम्मी अभी अभी पहुंचे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।